क्यूटी तेनू मैं समझा। एक बेड और एक आईफोन 16 प्रो मैक्स। यू लाइक इट? अब बेटा बेटा बेटा, कितनी सुंदर लोकेशन है। जा भाई ऐसे गुड़ उड़ रहे हैं। तो भाई कल मस्त केक कटिंग हुई। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। हम सारे इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। 4 मिनट है 12 बजने को। उज्जवल की उज्जवल गई। उज्जवल यहीं रुक। अरे तेरे को ब्लॉग में दिखा रहे। बाउडी में सारे अब गेम खेलेंगे। इतनी इमोशनल। वो ऐसा चिरमर हो रही है वो। इतना बड़ा पढ़ने तो किसी का नहीं। बाकी सारे सही है। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह वाह। सबसे बड़ा भाई विकी भाई। नहीं सबसे बड़ा। सबसे बड़ा मम्मी। मम्मी मम्मी और मासी। मम्मी और मासी खाएंगे जल्दी। असली माँ को खिलाना पहले। आओ मासी मासी आओ। अरे हैप्पी बर्थडे। बस अब बांटो सबको। अब बांटो सबको। अब मरेंगे तुम सारे। अब तुम सारे मरेंगे। ये है भाई असली बर्थडे। देखो सुबह सवेरे का मौसम कितना भयंकर हो रखा है। बहुत ठंड हो रखी है भाई। तो भाई अभी का हमारा प्लान बन रहा है कि आज हम आपको लेके जाएंगे एक ऐसी जगह जो आपने नहीं देखी आज तक व्लॉग में। टेंपल है जो काफी हाइट पे है, वहाँ लेके चलेंगे आज आपको। और मेरे साथ आदि होगा, बिक्की भाई और भाई, हम चार ही जाएंगे। 2 बाइक है तो 4 बंदे ठीक है। आपको मस्त बताएंगे। इतना तगड़ा व्यू है कि पूछो ही मत। बाकी ठंड तो भाई यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे, पर मजा भी आ गया है। और यहाँ पे वो खुफिया रास्ता आ गया है। तो बस अभी हम अपने गांव के रास्ते से निकल रहे हैं, जो हमने बिल्कुल ही घर के पास रख दी थी बाइक, वो वाला हमने रास्ते से निकल रहे हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस रास्ता है। आए भी हम इसी रास्ते से थे। आगे एक और पॉइंट है जहां पे थोड़ी मुश्किलात होगी, पर जब भी की भाई है तो डरने की क्या बात है। बस भाई इतना ही था डेंजर रास्ता, अब बढ़िया है। तो भाई ये हम थाची पहुंच गए, पर आज हम थाची से भी ऊपर जा रहे हैं। हेलो, तो हम हडिम्बा टेंपल जा रहे हैं भाई। हडिम्बा टेंपल बहुत ही टॉप में है। ये देखो बिल्कुल ही चढ़ाई है। ये कहाँ गए वो? अच्छा रोड भी थोड़ी इधर ही है क्या? आगे तो बंद है रोड। रोड किधर? पहले हम हडिम्बा टेंपल जाते थे पैदल, अब सड़क तो निकाल दिया, पर सड़क यहाँ पे गिर चुकी है। तो यहीं से तो स्टार्ट है। ये भाई हम गलत रास्ते से आ गए थे, अभी हम सही रास्ते पे हैं, क्योंकि हम भी पहली बार ही सड़क से जा रहे हैं। ऐसे हम पैदल ही गए आज तक, छोटे से जाते आ रहे हैं, और हडिम्बा माता के पास हम जरूर जाते हैं भाई। ये सड़क से हम पहली बार ही जा रहे हैं। चला 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 चला
सड़क तो बड़ी तगड़ी है भाई गॉड से, पर कल परसों बारिश भी हुई थी ना, बारिश नहीं भी होती तभी यही हाल होने थे वैसे। अरे यहाँ पे देखो राइडर कौन है भी, भाई मुंह से मत लगाई, फिर एक हाथ से लगाई भूल गया। तो पिछला गियर भी नहीं होता तो उठ के ही बस बस भाई। अडिम्बा टेम्पल हमारा पिकनिक स्पॉट होता था क्योंकि यहाँ से पैदल को लगते थे 30 से 40 मिनट, मजे मजे में आते थे हम पैदल पैदल, पर बाइक में तो हम 5 मिनट में ही पहुँच गए। मशीनें साथ चली हुई है और हमें ये मालूम ही नहीं था, हमें लगा कि बढ़िया रोड है, उसको देखो चल 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 बीच से निकल, हमें लगा बढ़िया रोड होगी पर यहाँ पे तो मशीनें भी चली हुई है साथ साथ। और ये देखो जूते रहने दे, भी पहले खुद को बचा ले। हाँ देखो आगे पीछे की शक्ल है पहुंच तो गए हम। और भाई यहाँ देखो सेब भी आज पर हो चुके हैं, सेब भी ले जाने पड़ेंगे साथ। स्लो एंड स्टडी बीन परेश भाई बी भाई बोले आज नीचे तो जाना खेत को, बी भाई तब तक नहीं गिराएगा जब तक एक डायलॉग ना बोले कि अरे आज तो हम गिरे ही नहीं, फिर देखना कैसे गिरेंगे तो तगड़ा फीलिंग हो गया सुबह सुबह, ऐसे नहीं माता के वहाँ पहुँचते हैं। धुंध तो देखो भाई मजा आ गया, गर्मी में ठंड का एहसास चाहिए तो थची आओ, पर बाइक में ही आओ क्योंकि गाड़ी यहाँ तक नहीं पहुंचेगी। असली मजे बताते हैं आपको जिंदगी के, अब सेब खाना पड़ेगा। क्या हुआ भाई, भूख लगी है, हमारे इतने मजे होते कि जब सेब खाने की आएगी तो यहीं से। अच्छा अच्छा ये भाई जिंदगी के असली मजे। मोनी और को थोड़ी मोड़ा जो यहाँ देखो भाई कितने छोटे थे, खुद को देख बड़ा है मैं है क्या स्प्रे क्या बंदा है रा दे। तो भाई ये तो यहाँ पे तो मटर की बिजाई हुई है, ये सेब है वो ऊपर हिडम्मा पाता, वहाँ तो हम जा रहे हैं, थोड़ा पैदल रहता है 2 मिनट का रास्ता यार। तू थैंक यू, तू बाइक पहली बार आया यहाँ तक? नहीं मैं आया चौथी बार। तब तेरे को रास्ता कैसे नहीं पता? वो जो नया बना दी उन्होंने नया, फिर से नया बनाया। चल उठा अरे यार तगड़े सेब नहीं है, मस्त सेब, मजा आ गया। घर में जब से आया तब से तूने खाया वो सेब? मैंने भी नहीं खाया। ये था भाई पैदल रास्ता, मतलब थाची से सीधा ऊपर इधर पहुंच रहे थे, पर हम आए सड़क से हो गए तो हम फिर से भी इधर ही पहुंच गए। हाँ जी, खुद का बगीचा होके भी 2 साल से सेब नहीं खाए, जब से हमारे तब से खाए नहीं क्योंकि हमारे को याद ही नहीं रहेगी सेब भी है। अभी पेड़ में दिखे था ओहो हमारे तो सेब भी होते हैं, अब खाएंगे हम तड़ाकेदार झड़ाकेदार सेब। बस यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है, फिर आपको इतनी तगड़ी लोकेशन दिखाएंगे कि आप मैस्मराइज हो जाएंगे। तो अभी हमने मंदिर के आगे दर्शन कर लिए, अब आपको दर्शन करवाते हैं। ये है हिडिम्बा माता, महाकाली की मूर्ति है और बहुत ही प्राचीन काल की है। ये देखो जय महाकाली, बाहर से आपको मंदिर दिखाती हूँ मैं, पहले आप ये देखो दर्शन कर लीजिए, बहुत ही प्राचीन। आपको बाहर से दिखाते हैं भाई, ये देखो भाई हमारा हिडिम्बा टेम्पल थाची,
कितनी सुंदर लोकेशन है, ये बीच में मंदिर है और ये देखो आड़े दुआड़े खाली मैदान। अभी हमने यहाँ पे दर्शन कर लिया और यहाँ पे और भी लोग आए हुए दर्शन करने के लिए और अंदर जो है भजन कीर्तन भी शुरू हो गया। अभी आपको ले चलते हैं यहाँ ऊपर भी माता की मूर्तियाँ हैं वो दिखाते हैं आपको। ये भाई बहुत प्राचीन काल का है और ऊपर से देख रहे हैं इसकी क्या गजब दिखता है ये मंदिर। यहाँ देखो भाई, अब यहाँ से देखो आप लोकेशन, ये हम बिल्कुल यहाँ ऊपर आ गए, उस साइड को है मूर्तियाँ वो दिखाऊंगी मैं आपको। पर ये देखो, ये चेकआउट करो भाई मस्त। तो ये है हमारे एरिया का वन ऑफ द फेमस और सुंदर मंदिर, माता हिडम्बा का मंदिर। बड़ा मंदिर और छोटा मंदिर, छोटे मंदिर की तरफ नंगे पांव जाना होता है तो भी हम बचपन से आते हैं यहाँ पे रोज हमेशा। हाँ मैं पैदल रोज तो नहीं आते, पैदल ही आते हैं हमेशा। और यहाँ पे टावर होते थे, यहाँ पर मैं और भी चढ़ते थे ऊपर। तीन टावर है वो देखो, एक दो तीन चार है, जो कि बहुत मैं दिखाऊंगी कभी आपको तब आप समझ लेना कि मैं इस जगह की बात कर रही हूँ। चार टावर बहुत दूर से दिखते हैं। और जब मैं छोटी थी तब अम्मा मेरे को गुड़ाते थे यहाँ से नीचे, वो ऐसे गुड़ गुड़ करके जाता था आदि। यहाँ देखो भाई नंगे चले जा नहीं रहे, और अभी कैसे मार रहा था नंगे पांव। हम तो जब कांटे थे यहाँ होते थे पहले, कांटे के ऊपर चढ़ते थे हम, बीबी की भाई को वो बजाते थे गाने, नाच पसंद थी कुछ भी। और मैं नाना नहीं। ये देखो बिल्कुल जंगल के बीच में ये रहा मंदिर, छोटा सा मंदिर। जय हो माता, जय हो माता। यहाँ पे देखो, और ये अंदर भी मूर्ति है जो कि दिखेगी नहीं। और यहाँ पे लिखा भी है भाई 15 अगस्त 2024 थाचे होम की शुभकामनाएं। हाँ ये लिखा। ये वार चमत्कार है। चलो यहाँ से नीचे एक लोकेशन भी रखी हुई है, ये इसको बोलते हैं सुसाइड पॉइंट। मिगे जाना था नहीं, यहाँ पर हम आपके साथ जाएंगे दोस्तों। मिगे जाना था नहीं, कहाँ जा रहे हैं अभी? नया बिजनेस जोड़ते जाएंगे यहाँ से। बिग भाई सारी पहाड़ी दिखती है, पंजाई से लेकर काशुनाला से कुल्लू से लेकर दूर दूर तक। आदि थोड़ा बिजी है, आदि को पता नहीं किसका फोन है। अच्छा अच्छा, शेष ले लेते हैं हम और फिर यहाँ से चलते। जय माता दी भाई, मैं चलना आता नहीं है भाई, बहुत तीखे तीखे पत्थर है। बचपन में जाते हैं ना। अरे बस सर, चुका तुम्हें शीशे की बोतलों के ऊपर से चले ऐसे, उस टाइम हम आंधे हो जाते थे भक्ति में लीन हो जाते थे। अच्छा भाई टिक्के पत्थर है भाई, इतने लीन हो जाते थे। ओए भाई भाई, एक और जगह है यहाँ पे जहाँ पे माथा टेकेंगे वो है उधर, ये लास्ट है, फिर ये पूरी परिक्रमा हो जाएगी हमारी कम्प्लीट। पहले मंदिर, छोटा मंदिर, फिर इधर एक क्या है भाई पेड़ है, ये चीज हुए यहाँ पे हम टाइल माता के वो दिख रहे टाइल की सॉरी भाई पेंटिंग के लिए रखा है यहाँ पे। कुछ और इनको कुछ नहीं पता, पर यहाँ पे ये पेड़ है इसका हम महाराज करेंगे। मंदिर बना रहे हैं, है? मंदिर बना रहे तो मंदिर की शुरुआत। हाँ वो मंदिर बन रहा है यहाँ पे नया। ठीक है ठीक है, अब देखो यहाँ से, यहाँ से देख जा भाई, यहाँ से गुड़ गुड़ रहा इन्होंने तो सीरियस ही ले लिया गुड़ गुड़ को। नहीं यार चल के भी जा सकते, शर्म तो है नहीं, भीड़ बंदों को लोग देख रहे हैं, पैर से भी जा सकते हैं। भाई वो सेब निकाला था, उसकी पिकनिक मना रहे अब अच्छी जगह पे बैठे। यहाँ देखो भाई माता के तीन रक्षक, जब हम छोटे थे तब हमें बहुत बड़े बड़े लगते थे, अब तो बहुत छोटे छोटे लग रहे। तो अभी निकलते हैं, ये देखो पास से मंदिर, यहाँ पे नया मंदिर भी बन रहा है। जय माता दी, जूते पहनते हैं और निकलते हैं आगे मंदिर से। और ये हमारा महाराजा कर देंगे हम इस बार, क्या हुआ वापसी में ताड़ फाड़ कर देंगे। तो जैसे महाराजा में लग रहा है, जैसे महाराजा में बैठा है महाराजा, तो चलो मैं ही। अच्छा अच्छा, साहू के बेटे दो। अच्छा अच्छा, तो हमें यही दिखा, एक बेड और एक आईफोन 16 प्रो मैक्स। अच्छा अच्छा, क्या बोल रहा है
पता है कि अगर एक पेड़ की बिक्री होगी, एक पेड़ में जितने सेब लगे उतनी की बिक्री होगी, तो आईफोन 16 प्रो आ जाएगा। वाह वाह क्या बात है। चलो जी विकी भाई जी, बस अभी चलते, अभी थोड़ा नीचे थोड़ा काम है ना। बस हम आए थे ओम को। नहीं नहीं बस अगली बार हो। अब हाँ नीचे मिलते हैं, नीचे बुला रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं। इतनी ज्यादा लगती हिंदी ना दिला दी शुरू अपनी बात। बीजी भाई बोलते मुझे ताड़ फाड़ कर देंगे। अब बोल रहा तू ही जा गया भाई, ये नहीं बात दिल सकता इसकी छोटी बाइक ना, हमारी क्रूज है थोड़ी। मैं नहीं भी इसको आज तक गिरते हो देखे, इसका कंट्रोल तगड़ा है इस बाइक पे। गिरते हो तो मैंने नहीं देखा इसको ना, क्योंकि जब ये गिरता तो मेरी आंखें बंद हो जाती है। ये क्या मतलब? सीधे चल रहे थे, कहाँ पहुंच गए? पूछते है कि उसको कैसा लगा। आधी दो शब्द एक्चुअली मेरी बाइक ऐसी रोडों के लिए बनी है। तेरा बाप बनी डेढ़ रोड है भैया, वाटर चल आराम से। आप माल को बचा नहीं रहे, कल हमारे घर में आ गए। क्या रहा लाइट में फोटो पे क्या अब ऐसी बात होगी भाई। निकल गए थाची से और हम पहुंचे अभी कॉटेज चलते हैं एक बार, कॉटेज फिर से दिखाते हैं आपको अपना। भाई हम कॉटेज पहुंचे और यहां देखो भाई, ये देखो इधर हम इधर रेस्ट कर रहे थे मस्त, अब जा रहे हैं वापस क्योंकि आज धाम है, उनके बाद धाम दे रहे हैं, वो खाएंगे अब मस्त। इसको कर देते बंद, बंदे का लगा है कोई 100 सेब। तुम्हारे सराची में सेब नहीं होते? इनके सराची में सेब नहीं होते, तब ये थाची खाते हैं। उनके पास बस नेले होती है, वो खाते हैं। फ्राइड स्नेल्स, ओ वाओ, एक मतलब ब्लैकबेरी में है भाई। ब्लैकबेरी देखो कितनी महंगी मिलती है यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमको फ्री में मिलती है ये देखो, और मजाक नहीं है सच में ही है, यहाँ पे ऐसे लगी होती है झाकड़ों में। ब्लैकबेरी सेब मटर जो मर्जी खाना खाओ मजे करो। क्यों भाई सही बात है, पीकी भाई का तो मजे है ना, क्योंकि मटन बना हुआ है। पर हम हमारे लिए भी कुछ ना कुछ बना ही होगा। कमल भाई का बेटा है मेरे साथ अभी, और जड़ों मतलब बाल कटवाने के लिए देवते के पास जाना पड़ता है, और बकरा चढ़ाना पड़ता है। तो आज की दिन धाम है मेरे भाई की, और मस्त यहाँ पे देखो सारे लोग खा रहे हैं। हम अभी खा के आए, मैंने इसको भी पकड़ा है, ये अभी बोलता नहीं है, ये सिर्फ पापा बोलता है। पापा बोलो देखा पापा बोला, चल पापा चल। भाई यहाँ पे तनु आमु के भाव के जड़ हुए, और यहाँ पे देखो ये बंदे सातवीं बार पाँच प्लेट खाई आज। मैंने कहा मैं तो आधी खाई, पाँच आधी बोला था, पाँच प्लेट यहाँ है, पाँच प्लेट वाली देखो, पाँच 7-12 तीसरी बार। अच्छा अच्छा, गेहूँ भी खत्म, जोड़ भी खत्म, सारे लोग जा रहे हैं स्पेशल। अच्छा अच्छा भाऊ, तेरे को नहीं पता उस दिन क्या हुआ, तू नहीं सोच भी सकता। इस दिन लोग घायल हुए, कहाँ क्या कहना है तेरे इस बारे में? आई लाइक इट ऑल।
You like it? You like it? अब डर क्या कर रहा है क्या कर रहा है क्या कर रहा है पर यार ना खाना क्या कर रहा है क्यूटी इसका जड़ हुआ भाई इसकी दाम खा रहे थे सारे हम मिलके बैठ के अब जा रहे सारे थाची थाची क्यों जा रहे मेशु मामा गया कुछ पार्टी अच्छा मेशु मामा की पार्टी खाने जा रहे बाय 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 काकू बाय बाय अच्छा ये ट्रक कहाँ को जा रहा है अच्छा अच्छा कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं जंगल को पापा कहाँ हैं मम्मी कहाँ हैं ऊपर हैं भाई यहाँ पे मामू की शॉप पे रुके और इधर देखो यहाँ पे आर्या स्टॉक से मिली है हाउ आर यू यहाँ पे भाई हमारी टी पार्टी है तो चाय पियेंगे अभी हम यहाँ पे बाकी सब ने पी के वो चले गए अब हम पियेंगे हमें 1 2 3 4 भाई ये मामू की टी पार्टी और ये हलवा पार्टी और यहाँ पे देखो स्वास्थ्य ने सब उज्जवल हैप्पी बर्थडे थैंक यू उज्जवल का बर्थडे ही चला है अभी उज्जवल का बर्थडे ही चला है अभी मस्त बर्थडे यहाँ का मौसम इतना अनप्रडिक्टेबल है ना हम जा रहे थे वापस चाय के बाद और इधर देखो बारिश लगी इतनी भयंकर पूरे के पूरे भीग गए यहाँ देखो बिजलियाँ कैसे चमक रही है तो हम फिर वापस ही आ गए मम्मी बेचारी वैसे भी उदास थी मम्मी की सुनते भाई देवता देवता ने बताया ऐसे उदास होने थे वापस ही ला दिया हमारे को यहाँ देखो भाई इतनी तेज़ बारिश अगर दिख रही है आपको तो ये हमें अपना प्लानिंग कैसे करना पड़ा और मूड करना पड़ा तो फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ब्लॉग सुनाया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ओके बाय।